नमस्कार इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। जय हिंद वालिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विनोद शंकर दुबे की लोकप्रियता एवं मृदुर भाषी एवं तेजस्वी से लगता है कि पूरा जनपद भगवा रंग में रंग जाएगा। इसी जिला बलिया में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीतियों से प्रभावित आज समाजवादी पार्टी के प्रधान रामदेव यादव, प्रधान जगमोहन यादव, प्रधान देवेंद्र यादव, दर्जनों प्रधानों के साथ सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी भारत की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हनुमानगंज में लोकप्रियता मृदु भाषी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे के स्वभाव और बातों से सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। इस परिस्थिति में आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता से जो आप त्याग देकर के भारतीय समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्यता ग्रहण किए, क्यों? इस परिस्थिति में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दे, सही रूप धरातल पर वो विकास कर रहे हैं और खास तौर से सभी कुचले लोगों को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के विकास हित में हम लोग ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। सबका अध्यक्ष जी से प्रसन्न होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से सबका साथ सबका विकास को देखते हुए आपने जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता को त्याग करके आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। थैंक यू प्रधान जी। और आपका पक्ष है आप इसके पहले किस और पार्टी दल में थे? हमेशा से मेरा परिवार भाजपा का समर्थन रहा है। अच्छा, एक समाजी परिवार से आते हैं, समाज सेवी के परिवार से है, जिस समाज सेवा करते थे उसे आप थे परिवार से? जी हाँ, मेरे बड़े भाई सुरजीत देवी राय सुल्तानपुर से सांसद चुने गए थे भाजपा के। अच्छा, आप उस परिवार से जी, तो बहुत पीछे हो गए, आज आपने सदस्यता ग्रहण की है, क्यों? समर्थक हम लोग हमेशा थे, पार्टी में सक्रिय होना चाहता था, संगठन में करना चाहता था और अध्यक्ष जी की प्रेरणा से। थैंक यू अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी लोकप्रियता इतनी जनपद में बढ़ती जा रही है कि आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को जो है आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे मीडिया की तरफ से और यहाँ सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए भाई। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ मिश्रा है, ग्राम महेंद्रा, ग्राम सभा मानीपुर। मैं तो बहुत पहले से ही भाजपा में हूँ और आज भी बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे अध्यक्ष जी का आज प्रोग्राम था तो मैं सभी साथियों के साथ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। चैनल पर चला देखा, ये आप इनके साथ किस तरह से संबंध रखेंगे इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, दल प्रभारी शामिल हुए हैं, इसके पहले भी इन लोगों से मेरा संबंध था और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी दल का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होना है, मैं उसका निश्चित सम्मान करता हूँ, चाहे वह किसी दल का अध्यक्ष हो। लेकिन अगर उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या है और कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी धरे को मैं चलता हूँ। एक बात और अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज देश में बहुत सुंदर काम किया गया है, जो कि अनुच्छेद 370 पर इसे जो कश्मीर से हटा करके माननीय हमारे गृहमंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है, इसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जरूर कहूँगा कि 3 तलाक है या 370 धारा है, 35 है, उसे
जिला में 27 साल पहले हम लोग कश्मीर गए थे और हम नारा लगाते थे कि जहाँ हमें बंधान मुखर्जी और कश्मीर हमारा है। हमको पहले से मिशन में और माननीय इस काम के लिए मैं अपने गृहमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट कोट बधाई देता हूँ कि जो देश को बांटने वाली धारा थी इसको चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया। इसके लिए पूरा देश उनको धन्यवाद ज्ञापन करता है और यह हमको लगता है कि सभी धर्मों का देश है और सभी धर्मों का आदर है। इसी का सम्मान करते हुए युवा कश्मीर बिल्कुल भारत से अलग थलग न पड़े इसकी चिंता मानने के लिए मंत्री प्रधानमंत्री जी है इसकी लोग बताइए। अच्छा, कभी कभी इसमें इस धारा पे जो है विपक्ष के लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि वहाँ अभी जो है शांति व्यवस्था बहाल नहीं हुई है, ये बिना वहाँ के लोगों से बिना राय दिए ये काम कर दिया गया है, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ के लोग तीन परिवार ही राज किया करते थे और कश्मीर को लुटने का काम कोई दुखी नहीं है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह से बड़ा समाजवादी कौन हो सकता है और मुलायम सिंह ने भी इस बार दिन के पक्ष में मतदान किया, इससे बड़ा एक उदाहरण क्या हो सकता है। कांग्रेस के लोगों जो अच्छे अच्छे लीडर हैं जो देश के प्रति अपना आत्मा ध्यान रखते हैं उन्होंने ने मतदान किया है, दल से हट के मतदान किया है, तो इससे बड़ा एक उदाहरण क्या हो सकता है। हमको लगता है कि सभी दल कुछ लोगों को छोड़ करके जो देश से आम राष्ट्र से प्रेम रखते हैं सभी लोगों ने इस दिन के पक्ष में मतदान करने का काम किया है और मैं उन लोगों को कुछ कुछ बधाई देता हूँ। पहले राष्ट्र है बाद में दल। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, ये एक चर्चा है कि हमारे यहाँ बहुत कभी कभी बड़े बोले भी उनको कहा जाता है और बड़ी अच्छी भाषा वाला भी कहा जाता है हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी को कि आज वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया तो कहे कि अगर मुझे मंत्रिमंडल में लिया गया तो मैं एक महीने में पूरे प्रदेश का विकास का रास्ता बता दूंगा, किस तरह से विकास होगा इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हैं और 70 साल की समस्या हमको लगता है कि एक महीने में नहीं ठीक हो पाएगी। जब मोदी जैसे नेता को 5 वर्ष लग गए तो बलिया का सौभाग्य है, बलिया जनपद नहीं राष्ट्र है, इसको जिला नहीं राष्ट्र कहा जाता है, तो हमको लगता है कि बलिया में कुछ भी संभव है और हो सकता है कि दूसरी गठबंधन मंत्री बन जाए, कोई हैरत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी काबिल हमारे विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। थोड़ा सा मैं आपसे परिचय कर आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ, आप अपना परिचय बताएं। मैं रामदेव यादव ग्राम पंचायत सरवा कमेटी के प्रधान हूँ और साथ ही मैं विधानसभा बांटी तीन सभासद का उपाध्यक्ष था। आज मैं समाजवादी आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास रखते हुए मैं आशा किया हूँ कि इसमें हमारा भला होगा, पार्टी का भला होगा और गांव में सबका साथ सबका विकास में विश्वास। एक बात है प्रधान जी, आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे और आज जो है किन कारणों से आपने जो है बीजेपी का दामन थामा है? हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि जीत कर गया उसको कोई कलकत्ता से न लेना है न देना है, न गांव की जनता से लेना है न देना है, सिर्फ अपना जो है क्रिश टाइट रख के जनता हठाल स्थिति में मर रही है उसका दवा इलाज पढ़ाई लिखाई या जो भी समस्या है कलकत्ता जीता कर नेता को भेजते हैं सदन में, तो उस क्षेत्र का विकास के लिए भेजते हैं या अपने विकास के लिए नहीं भेजते। हम इससे खुश होकर के नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ आज शामिल हुआ हूँ और माननीय हम लोगों के जसवी जिला अध्यक्ष विनय शंकर दुबे से प्रभावित होकर के इन्होंने जब भी हम लोग जाते थे हम लोगों की बात सुनते थे प्यार आपके प्यार से और आपकी मीठी बातों से इनकी प्रेम से आपने जो है बीजेपी का दामन थामा है। दूसरी बात यह है कि आप समाजवादी पार्टियों की नीतियों से दुखित होकर के व्यक्तिगत आप क्षेत्र के विधायक के नीति से दुख होकर के आपने थामा है? क्षेत्र के विधायक नीतियों से भटक चुके हैं और न उनको समाजवादी पार्टी की नीतियों से आप वो पार्टियों से नीतियों से भटक चुके अपने परिवार में सीमित कर रहे हैं। आप सारे चीजों से जो है असंतुष्ट होने के बाद आपने जो है बीजेपी का दाम उठाया है? बीजेपी का दाम उठाने प्रधान जी और आप मैं जगमोहन यादव
विकास कर रहे हैं और खास तौर से सभी कुछ लोगों को